छतरपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब की पेटियां जब्त की। जब्त शराब की कीमत 36 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि यातायात पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार मक्सी शाजापुर डिस्लवी से छतरपुर से शराब वेयरहाउस आ रही थी। मामले में आबकारी विभाग जांच कर रही है। जैसा कि आप परमिट में देख पा रहे हैं, रीजेंट बियर एंड वाइन डिस्टिलरी है, ये मक्सी में है शाजापुर में। वहाँ से ये 1400 पेटी गोल्ड बियर छतरपुर वेयरहाउस के लिए रवाना हुई थी। इसको कल रात 10:30 बजे यहाँ पर आ जाना था, क्योंकि सर के द्वारा अभी जो सूचना दी गई कि सुबह 10:30 बजे करीब पकड़ी गई है, तो दोपहर में तो इसका टाइम तो निकल गया है। तो अब जो भी विभागीय कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी आगे की। क्या कहीं अवैध तरीके से बेचे जाने की बहुत इतने घंटे लेट हो गई? अब इतने शॉर्ट समय में अभी हमको मतलब सूचना मिली है। अब जो भी जैसे जानकारी हुई हम आपको आगे। क्या ये तो अवैध हो गई ना, अभी तो घंटे निकल गया उसका टाइमिंग। अवैध है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हो सकती है वैध और अवैध दोनों हो सकती है, लेकिन अभी बिना जांच के हम कैसे कहें। इसका रूट क्या था? इसका रूट जो भी था वो सही पालन कर रहा। सागर रोड में ही पकड़ी गई है, तो सागर रोड से ही हमारा जो वेयरहाउस महुआ रोड पे वहीं जा रहा है। क्या कारण है कि 10 घंटे लेट होना बहुत बड़ी बात होती है? जो ड्राइवर के द्वारा तो बताया जा रहा है कि टायर फट गया था, ये बात हम उसको नहीं मानते हुए हम अपनी जाँच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके। लेट होना इसमें क्या मानते हैं आप? लेट होना इसमें दो कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई परेशानी आई हो, या फिर अगर कोई गड़बड़ी करके किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बियर कहीं ले जा रही थी। तो जांच में अगर सामने आएगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।